सो गाइस, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरूर करते होंगे, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय आपकी वॉइस उसमें रिकॉर्ड नहीं होती होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताया गया कि आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ अपनी वॉइस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ रिकॉर्ड ना हो बल्कि सिस्टम की रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो, आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताया गया कि आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ सिस्टम की वॉइस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ अपनी वॉइस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन को यहाँ पर नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप इसे यहाँ पे लेफ्ट साइड स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे एडिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन तो ऊपर की तरफ है तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ भी हो सकता है। अगर आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नीचे की तरफ है तो आपको उसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। इसके बाद आप उसे ऊपर तरफ लेके आके यहाँ पे इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर देना है तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो इसके बाद आपके यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग की वीडियो आ जाएगी जिनमें आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, क्योंकि अभी तक आपने ये सेटिंग नहीं किया कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाए। तो इस सेटिंग को करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो साउंड सोर्स, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ना तो सिस्टम की वॉइस रिकॉर्ड हो और ना मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो तो इसके लिए आप यहाँ पे म्यूट पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो तो आप यहाँ पे माइक पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड ना हो ओनली सिस्टम की वॉइस रिकॉर्ड हो, जैसे कि आप यहाँ पे यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो ओनली उस वीडियो की वॉइस रिकॉर्ड होनी चाहिए, मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे इसे सिस्टम साउंड पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे बैक आ जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पे इस सेटिंग को यहाँ पे मैनेज कर सकती हो। मैं आपको बोनस में एक सेटिंग और बता देता हूँ, तो आपके यहाँ पे लॉक स्क्रीन टू एंड यहाँ पे ये सेटिंग यहाँ पे ऑन होगी। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के दौरान आपने देखा होगा कि जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते रहते हैं उस समय आपका मोबाइल लॉक हो जाए तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे ऑफ कर देते हो तो आपकी लॉक स्क्रीन होने के बाद भी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होगी। इस तरह से आप अपने मोबाइल में इस सेटिंग को कर सकते हो। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।